जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। मित्रों, मैं यहाँ पर आप सभी को संपूर्ण रामचरितमानस की कथा सुना रहा हूँ। यदि इसमें मुझसे कोई त्रुटियाँ रहे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा इस प्रकार है। यहाँ सुबेर पर्वत पर प्रातःकालीन श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने कहा, श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम वाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी का कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धरकर, हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मरम असली बात नहीं बताते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गया और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुलावा लाओ, देखो कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूर दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त संजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिंह सिर पर्वत के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ, जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है। वैसे ही श्री राम के प्रताप को हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, रे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्म जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो।
उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागतों के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सुचका गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नष्ट न हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, दस कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी को अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बातें नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव ब्रह्म आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तेर कर तिरछी करके बोला, रे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी भी है, वह यह है कि तुमने प्राय स्त्री को की चोरी की और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत का धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था, तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु जानवर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है, मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्धत हो सकता है? नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्विजय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है।
हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वालों में ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोती रूपी धनुष के वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर तो धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता का तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन में विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा यही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न तो लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण बोला, रे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी वाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने रखे हैं उन्हें सुन तो बलि को जीतने पाताल गया था, तब बच्चों ने उसे गुड़साल में बांध रखा, बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसे दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ वानर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसे रूपी समुद्र की तीव्र धारा से अनगणित राजा अनेकों बार डूब गए,
उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही देखते भाग गया, जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशग्रीव, वे मनुष्य क्यों कर हैं, क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु है और कल्पवृक्ष क्या पेड़ हैं, अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, और अरे मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति और लाभों जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को जाकर नगर को जलाकर और तेरे पुत्रों को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी का तू भजन क्यों नहीं करता, अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्म और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूड, व्यर्थ गाल न मारकर डींग न हाँक कर श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण, बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा काल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं, मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जीव जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर समुद्र राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरा एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिग्पालों तक से जल भरवाया और तू राजा का मुझे सुयश सुनाता है, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर यह दूत किस लिए भेजता है। शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि को होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों को जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथों से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्म ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है, लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटना और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के इस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिसे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर क्या कारण से शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ,
श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है, कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने सोने में प्राय स्त्री को हर चुरा कर ले आया था। तो राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रामचंद्र जी के, श्री रघुनाथ जी की सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूँ तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूँ कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊँ। यदि ऐसा करूँ तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य करोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, प्राय निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझसे क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तो जिस बल पर कटु वचन बक रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर दूसरी युवती का भी रह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर विचार कर। तब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवंद के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने थमथमाकर जोर से अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 व्रज चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न तो उल्का है, न व्रज है, न केतु है, न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे और उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोले, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, अरे गाल बजाते लाज नहीं आती, अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा, मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटी। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है, इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर गई? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला,
वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आँख होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान वंश निडर होकर बसे रहते हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा, बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी दसों जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वानर वीरो सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काक बिशुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर चपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल के मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे, वे बार बार चपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया, अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद ने ललकारने पर रावण स्वयं उठा, जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तो जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुचका कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भोहों के इशारे से विष उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। मित्रों, यह मैंने रामचित्रमानस का प्रसंग आपको सुनाया है। इसमें मुझसे जो भी त्रुटियां रही हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपको प्रसंग अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।